ओके, वेलकम टू द 8th ऑनलाइन सेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। आज के सेशन बेसिकली डेरिवेटिव का चौथा सेशन है, लेकिन हम ऑप्शन का पहला सेशन इसको कह रहे हैं, ठीक है। यानी मैंने ऑनलाइन में पहले दो सेशन में बॉन्ड वैल्यूएशन, दूसरे दो सेशन के अंदर स्टॉक वैल्यूएशन किया, और तीन सेशंस के अंदर मैंने पहले में बेसिक डेरिवेटिव की थ्योरी दी, और देन सेवन्थ और एट्थ सिक्स और सेवन सेशन जो कि बेसिकली डेरिवेटिव का सेकेंड और थर्ड था, उसमें फ्यूचर और फॉरवर्ड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है ना। आज हम ऑप्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने में मैं डिफरेंट इसमें जो यूज़ होती है टर्म्स उसको डिस्कस करूँगा, एंड हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क या रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के तौर पर ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के कॉल ऑप्शन की टाइप्स, यानी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, उसका पी ऑफ टेबल किस तरीके से बन रहा होता है, ग्राफ किस तरीके से बनता है, और अगर टाइम मिला तो मैं पुट ऑप्शन को भी डिटेल में कवर कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ऑप्शन है क्या? ऑप्शन में कहूँगा सिंपली एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसके अंदर यू आर हैविंग आइदर राइट टू बाय और आइदर राइट टू सेल। अब राइट टू बाय और राइट टू सेल वाली बात के लिहाज से दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या था, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर हो गए तो एनी ऑफ फ्यूचर में डिलीवरी एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म योर कमिटमेंट। अगर आपने बाय का कमिटमेंट किया है तो आपको बाय करना है, यानी लॉन्ग पोजिशन है। अगर आपने सेल का कमिटमेंट किया है, शॉर्ट पोजिशन ली है, तो कमिटमेंट फ्यूचर में मस्त था। ऑप्शन में मस्ट नहीं है एज एन कमिटमेंट पूरा करना। ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक राइट आता है, इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज योर राइट तो किस तरीके से, तो आपको एज अ राइट के तौर पे आप मतलब मस्ट ऑब्लिगेटरी नहीं होगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कहते हो नहीं मुझे राइट चाहिए लेकिन सेल का चाहिए, बाय का नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन के टाइप्स के अंदर आ होता है। तो यहाँ पर इन दोनों टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो हियर इट इज़, एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, द राइट टू बाय अन अंडरलाइंग इट फ्यूचर डेट, यानी फॉरवर्ड में फ्यूचर तो है लेकिन अगर मैं इस राइट के बजाय यहाँ पे क्या वर्ड लिख दूँ, ऑब्लिगेशन लिख दूँ, इस राइट के बजाय अगर मैं ये कर दूँ कि दिस इज़ योर ऑब्लिगेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल बन जाएगी। बट मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, राइट। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू बाय। अच्छा, पुट ऑप्शन राइट टू सेल है, यानी आप कहते हो कि मैं राइट टू सेल रखना चाह रहा हूँ, यानी आप एक राइट बाय कर रहे हो। दोनों सूरतों में अगर आप लॉन्ग पोजिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब आप बाई कर रहे राइट। दोनों सूरतों में अगर आप शॉर्ट पोजिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब आप राइट सेल कर रहे हैं किसी और को राइट सेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट पोजिशन, मैं पुट पे बाद में जाऊंगा, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन भी एक तरह का डेरिवेटिव है, लेकिन इस जाहिर सी बात है अगर आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे होते तो उसको कुछ ना कुछ प्राइस पे करनी होती है। तो टू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू पे प्राइस। तो वो प्राइस क्या है, जिसको कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, और वो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या आ रही होगी, उसको लिए टेक्निकल टर्म यूज़ की जा रही होती है, प्रीमियम, ठीक है। यानी कौन ऑप्शन की प्राइस को टेक्निकली क्या कहते हैं, प्रीमियम। अच्छा, अब मैं थ्योरी के बजाय डायरेक्टली एग्जांपल से न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से आइडिया हो कि हम बेसिकली ऑप्शन है क्या। पाकिस्तान में ऑप्शंस वगैरह की मार्केट स्टार्ट प्रॉपरली नहीं हुई है 2018 के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने प्रॉपरली अनाउंस किया था दे आर गोइंग टू लॉन्च इंडेक्स ऑप्शन, और इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन अब तक अवेलेबल नहीं है, बट इंटरनेशनल डेवलप मार्केट्स के अंदर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, मैंने लास्ट फॉरवर्ड पे जो वीट की एग्जांपल दी थी उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा, नंबर्स चेंज करूँगा कि अगर वही सिचुएशन एज एन ऑप्शन इंटर की जाती तो क्या होता। तो वीट की एग्जांपल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी टर्म्स पे अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए, एक होती है एक्सरसाइज प्राइस, यस सही है, या इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, सही है। एक्सरसाइज प्राइस अगर एग्जांपल के तौर पे 900 है, अच्छा ये क्या होती है, अब एग्जांपल के तौर पे मैच्योरिटी में 3 महीने और प्रीमियम तो अभी हमने जो डिस्कस किया, थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर लें। अब मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ से किस तरीके से लेट्स के थोड़ा सा मूव करते हैं। मेरे पास ओके ग्राफ मैंने ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पर लिख ही देता हूँ,
ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैं अगर कॉल ऑप्शन, यस हियर इट इज, सॉरी यस, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, ठीक है, बाय करता हूँ, तो जब कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो उस कॉल ऑप्शन में क्या डिटेल्स होगी कि भाई स्ट्राइक प्राइस क्या है या एक्सरसाइज प्राइस क्या है। मैं एक्सरसाइज प्राइस लिख रहा हूँ 900। अच्छा, 900 का मतलब क्या है? इररेस्पेक्टिव आफ्टर 3 मंथ, यानी इस सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 3 मंथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। अच्छा, अब मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकती है। एक्सरसाइज प्राइस तो क्या होगी? आपके ऑप्शन की अंदर जो बिल्ट इन प्राइस होगी जिस पर आप बाई करना चाह रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय, सही है, राइट टू बाय। अब बाई अंडरलाइंग असेट्स में मैंने वीट की एग्जांपल दे दी। हम इसमें शेयर्स रख सकते हैं, हम इसमें करेंसी रख सकते हैं, हम इसके अंदर गोल्ड रख सकते हैं, हम इसके अंदर ऑयल रख सकते हैं। सो मार्केट प्राइस 3 महीने के बाद हो सकता है 700 हो सकता है 800 हो सकता है 900 हो सकता है 1000 हो सकता है 1100 हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये मार्केट प्राइस पूरी रेंज है और ये अनसर्टेन है, ये हमें नहीं मालूम कि 3 महीने के बाद क्या होगा। लेकिन मुझे अगर लग रहा है कि भाई 3 महीने के बाद ये भी कम एस्टिमेट है और 1100 के बजाय 1200 प्राइस हो जाएगी, 3 महीने के बाद 1100 के बजाय 1200 प्राइस हो जाएगी, तो अब क्या होगा? अगर 3 महीने में 1100 के बजाय 1200 अगर प्राइस हो रही होगी, तो ऐसे सूरत के अंदर अब हमें क्या सिचुएशन करनी होगी कि भाई मैं ऐसा करूं किसी तरीके से अपनी प्राइस सिक्योर करवा लूं, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त अगर मिसाल के तौर पे नाउ अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, नाउ 800 रुपये भी है, हो सकता है 700 हो, लेकिन मुझे 700 के होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, मुझे 700 प्राइस होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। 3 महीने बाद 800 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, मुझे लग रहा है कि भाई 1100-1200 तो हो ही जाएगी। तो अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कहे कि ठीक है ऐसा करो, मार्केट में जो भी प्राइस होगी वो उस वक्त की बात है, मुझसे 900 रुपये में ख़रीद लेना, मुझसे 900 रुपये में ख़रीद लेना, अगर नहीं ख़रीदना हो तो कोई मसला नहीं है, तो वो फ्री में तो नहीं ये रिस्क उठाएगा, वो ये रिस्क उठाने के कुछ पैसे मांगेगा, तो उसको उस पैसे जो एक्स्ट्रा देंगे वो क्या होंगे? प्रीमियम कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको फिर एग्जांपल अपने आप को इस सिचुएशन समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि रिवर्स कर लेते हैं, मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने आप को कॉल ऑप्शन बाई करने वाला समझे। कॉल ऑप्शन बाई करने का मतलब आपको लग रहा है कि 3 महीने के बाद प्राइस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये। 3 महीने के बाद प्राइस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, ऐसा करो मुझे 50 रुपये दे, तो 3 महीने के बाद जो भी प्राइस हो, चाहे 1500 ही क्यों ना हो, चाहे 2000 ही क्यों ना हो, चाहे 800 ही क्यों ना हो, चाहे 700 ही क्यों ना हो, अभी मुझे 50 रुपये दो तो मैं तुम्हारे साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्या कमिटमेंट कर रहा हूँ? कि भाई मुझसे 900 रुपये में बाय कर लेना, ये मैं कर रहा हूँ, यानी मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा हूँ। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? शॉर्ट पोजीशन। लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय कर रहे हो तो आपकी पोजीशन क्या हो गई? लॉन्ग पोजीशन। अब होगा क्या? अब मैं अगर ये पूछता हूँ भाई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यही चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सिचुएशन को समझ में आ गए, यानी आप एज अ आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्या, आपके पास ऑप्शन है। आज क्या है? नाउ, अगर मैं नाउ की बात करता हूँ, नाउ टुडे इज़ ऑफ जुलाई, ठीक है, और 3 महीने के बाद यानी जुलाई का महीना ख़त्म होगा, अगस्त का महीना ख़त्म होगा, एंड ऑफ सेप्टेम्बर। तो अभी जुलाई है और एंड ऑफ सेप्टेम्बर के बाद अगर आप आओगे और बोलोगे भाई कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था आप मुझे 900 रुपये का सेल करो, तो मुझे मार्केट मुझे 900 रुपये का आपको सेल करना होगा। हो सकता है आप आओ, हो सकता है ना आओ, आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो अब कब आओगे और कब कब नहीं आओगे, तो इसके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज़ करें मैंने यहाँ पर एग्जांपल के यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे 50 रुपये दे रहे हो, अभी मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट एग्री कब करूँगा? जब मुझे क्या मिल चुका होगा? प्रीमियम मिल चुका होगा, प्रीमियम 50 रुपये। ये 50 रुपये मेरी क्या है? ये 50 रुपये आपने पे किए हैं, सही है, किसने? जिसने बाय किया है, बायर ने पे किए हैं, और जिसने सेल किया है,
ठीक है, लेट्स चेंज द पेन हियर, जिसने सेल किया है सही है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यही सिचुएशन थोड़ा सा रिपीट करूं, अच्छा तो मुझे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, सपोज करें क्या सिचुएशन थी यहाँ पर, सितंबर, जब सितंबर आया तो सितंबर में इफ़ मार्केट में 700 रुपये होंगे तो लॉन्ग पोजीशन कौन है, आप, आपकी बात हो रही है ना, आपने बाय किया है, बायर की बात हो रही है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन क्या है बायर की, शॉर्ट पोजीशन क्या है नहीं मेरी बात हो रही है, मैंने आपको सेल किया था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 700 रुपये होगी तो मेरा आपसे सवाल, आपने एग्रीमेंट कितने में क्या किया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 900, एक्सरसाइज प्राइस आपकी 900 है, ठीक है, इसका मतलब आप 900 पे बाई करने का राइट है, लेकिन अगर मार्केट में 700 रुपये मिलेगा तो क्या आप मेरे पास आके बाई करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई हम 900 रुपये का क्यों ख़रीदें जब वो चीज़ ऑलरेडी 700 रुपये की मार्केट में मिल रही है, तो आपको क्या होगा, आपका ये जो 50 रुपये जो मुझे दिए थे वो डूब गए, यानी ये आपने प्राइस पे कर दी, लेकिन मुझे जो इसने सेल किया था उसको ये 50 रुपये मिल गए। अच्छा अब यही बात रिपीट करते हैं, वॉट इफ़, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन में यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू एग्जीक्यूट, यानी आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक नई टर्म आई वापस के ऑप्शन आइदर एक्सरसाइज होता है या ऑप्शन आइदर एक्सरसाइज नहीं होता एट द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी, ऑप्शन या तो एक्सरसाइज होगा या एक्सरसाइज नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया अभी तक आपको कि एक ऑप्शन होते हैं कॉल और पुट ऑप्शन, एक अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा जब आएंगे तब, पहले हम बहुत बेसिक डिस्कस कर लें कि अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन, सिर्फ कॉल ऑप्शन है ये, अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन पर, हम किस पर है, कॉल ऑप्शन पर, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन की एग्जांपल है। तो कॉल ऑप्शन के अंदर 700 रुपये आपको, हाँ कॉल ऑप्शन के अंदर सही है 700 रुपये अगर मार्केट में प्राइस है तो आप नहीं खरीदोगे, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे भाई मार्केट में 700 का है तो मैं क्यों 900 रुपये खरीदूँ, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कितने पे किया है 900 रुपये। अच्छा जब 800 रुपये प्राइस होगी तो क्या होगा, आप बोलोगे भाई 800 रुपये का है तो मैं क्यों खरीदूँ, तो आपको क्या होगा, वही 50 रुपये आपका लॉस हो गया, 50 रुपये मेरा फ़ायदा हो गया। अच्छा जब 900 रुपये हो गए तो आप बोलोगे भाई मैं तो आपसे खरीदूँ या उससे खरीदूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पे न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन मैं अब आ जाता हूँ अगर मार्केट में कितने का होगा, 950 का होगा, इफ़ अगर मार्केट प्राइस 950 की होगी तो आपने एक राइट बाई किया हुआ है, कितने का, 900 रुपये पे एक्सरसाइज करने का राइट बाई किया हुआ है, तो वो 900 रुपये की जो प्राइस होगी आप क्या करोगे, बोलोगे भाई मार्केट में 950 का है, मार्केट में कितने का है 950 का है, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए थे, कितने दिए थे, शुरू में 50 रुपये दिए थे ना, बोले थे भाई हमने ये इसीलिए तो दिए थे कि अब हम आपसे ख़रीदने आएंगे तो आप हमें 900 में बेचोगे, तो नाउ आई हैव टू सेल यू, सही है, 900 रुपये पे, क्यों, क्योंकि मैं इसके लिए पैसा आपसे वसूल कर चुका हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था। अच्छा इस पे आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, टेक्निकली ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस कितनी है 950, सही है, ये क्या है मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस जिसको मैं अभी के कह रहा हूँ, ठीक है, ओके सॉरी। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक डिस्कस करना था, मैं थोड़ी इसको बाद में डिस्कस कर लूँगा, सही है, ओके। मार्केट प्राइस एब्रिविएशन कॉम्प्लेक्स, मार्केट प्राइस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। सो मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस 950 है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 900 है, तो इसका मतलब ये आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, 50 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपने इसमें से इस 50 के फ़ायदे में से 50 रुपये का प्रीमियम भी पे किया था। ओके मैं फार्मूला लिखना भूल गया यहाँ पर, ये वाला फार्मूला मुझे डिस्कस करना था, यस हियर इट इज़, कि पे ऑफ और कॉल ऑप्शन क्या है, ये होता है प्रॉफिट बराबर है मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइक प्राइस या मार्केट प्राइस, इसको में से हम माइनस कर देंगे, अच्छा स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो प्राइस हो, तो इसमें से माइनस कर देते हैं एक्सरसाइज प्राइस जो कि क्या होती है कि
इन दोनों में से जो भी हाई होता है उसमें से हम प्रीमियम माइनस करते हैं। अच्छा, अब ये क्या है इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा प्रॉपर फार्मूले के लिहाज से। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस निल वाली सिचुएशन नहीं हो। मुझे भी जो 50 रुपये मिले थे भाई वो नुकसान कवर हो गया 3 महीने के अंदर। बट वॉट इफ, अब अगर मैं यही वाली बात थोड़ा सा चेंज करके करूँ जो ये समझाया था, ठीक है, इसी को अगर हम रिवाइज करते हैं, आपको क्या लग रहा था कि प्राइस कितनी होने वाली थी? 1100? नहीं सर, 1200। 1200 से बात करते हैं। अगर 1200 रुपये मार्केट में प्राइस है, मार्केट प्राइस कितनी है? 1200 रुपये है, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे? आपके पास राइट था, यू एज अ बायर हैव ऑप्शन या राइट टू बाय एट एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? यानी आप 1200 में से 900 माइनस करोगे तो भाई जो चीज़ 1200 की मार्केट में मिल रही थी वो आपने 900 की खरीदी तो 300 का तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें से प्रीमियम भी पे किया, तो नेट फ़ायदा कितना हो गया? अगर मैं इस लाइन पे यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो गया आपका 250, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 1100 की बात करूँगा तो क्या होगा? 1100 माइनस 900, भाई 200 का तो फ़ायदा हुआ लेकिन इस फायदे को अक्वायर करने के लिए 50 रुपये का प्रीमियम पे किया, तो अब आपका फ़ायदा कितना हो गया? 150। तो इसका मतलब ऑप्शन आपको बेनिफिट देता है। अच्छा, मुझे लॉस हो रहा होगा ऑफकोर्स, यस। अगर मैं अपनी सिचुएशन के लिहाज से बात करूँ तो मुझे क्या हो रहा है, ये 150 का लॉस हो रहा है और मुझे नीचे हो जाता हूँ तो 150 का लॉस होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिचुएशन को रिवाइज करूँ, सर किस तरीके से रिवाइज करें कि भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछें कि विल यू गो फॉर ऑप्शन, तो डिपेंड करेगा मार्केट में प्राइस क्या है, सही है। अगर प्राइस क्या होगी, कब कभी आप जाओगे, ठीक है। नो एज ऑप्शन इज एक्सपेंसिव, कब ऑप्शन है? और एक कुछ लोग कहेंगे नो सर 50 रुपये ज़्यादा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सही है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, मेरे पास आपको हाफ स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, यस इसको ये भाई नो, भाई आप बोलेंगे भाई 50 रुपये बहुत ज़्यादा है, ऐसा करो यार 50 के बजाय सर आप 10 ले लो, 20 ले लो, नहीं सर 10 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट ले लो। भाई मैं 10 रुपये का फ़ायदे के लिए 250 रुपये का लॉस उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ कहेंगे यस, क्यों यस कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे, मार्केट में 950 का भी हुआ तो भी मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए क्यों, अगर आपने बाई किया हुआ है तो? इसका मतलब आपको अगर लग रहा होगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो आप बाई करोगे, अगर लॉस लग रहेगा तो आप नहीं करोगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिमेंबर कि क्या कि लॉन्ग पोजीशन हैज़ राइट एंड शॉर्ट पोजीशन हैज़ ऑब्लिगेशन, यानी आपके पास राइट है। अगर आप 950 पे मुझसे ख़रीदने के बजाय मार्केट से ख़रीदोगे, सॉरी 900 रुपये, अगर 900 रुपये पर ये जो जहाँ पे सिचुएशन थी, इट इज़ ऑप्शन, ऑप्शनल है, सही है। ऑप्शन से यहाँ पे क्या मुराद है? नॉट नेसेसरी, आपके पास पूरा ऑप्शन आ गया, सही है। इस पे मैं कहूँगा एट मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के टर्म्स हैं, वो टर्म्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन है कि आप 900 रुपये की बात हुई थी, आप 900 रुपये में मार्केट से खरीदना है खरीद लो, मुझसे खरीदना है खरीद लो, मेरे लिए एक ही बात है। आपके 50 रुपये जो आपने प्राइस पे की थी वो मेरे पास था, अब आप जाहिर सी बात है जिससे सस्ता पड़ेगा, डिलीवरी आसान होगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं आएगी, आप वहाँ पे जा जाओगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, सिर्फ कॉल ऑप्शन समझाया है अगेन मैंने कॉल ऑप्शन को, लेकिन अभी कॉल ऑप्शन के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने, आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने ग्राफ्स बनाए हुए थे, वो ग्राफ्स क्या थे कि भाई अनसर्टेनिटी क्या करनी होती है, हेजिंग के लिए ख़त्म करनी होती है, भाई ऊपर वाला भी नहीं चाहिए और नीचे वाला भी नहीं चाहिए, हम लिमिट करना चाहते हैं। तो यही लिमिटेशन ऑप्शन में कैसे आएगी, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। तो यही ग्राफ आपके सामने मौजूद है, मैंने इसमें कुछ टेबल्स ऐड नहीं किए, चलें अभी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। सो कैसे होंगे सर? सिंपली हम एक दो रो और ऐड कर देते हैं। क्या था? 1100 रुपये पर प्लस 150 था, यही था, और प्लस 250 था, किस पर था? 1200 रुपये पर, ठीक है। नहीं सर यहाँ भी था, ओके, ये मैंने रेड नहीं किया, अभी कर देते हैं रेड, भूल गए, देखिए स्लाइड साथ साथ तैयार करने भी होती है ना, ठीक है। सो अगर मैं यही वाली बात यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, सो तो ये कितना हो गया? 150 और ये 250 लॉस है, ओके। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट, अब मैं सबसे पहले ये बात करूँ पे ऑफ ग्राफ उसका बनेगा कैसे। इसका पे ऑफ बनाने के लिए
ठीक है। सो हम स्टार्ट लेते हैं। ये देखें, मैं वैसे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर मैं पे ऑफ लिख रहा हूँ, यानी प्रॉफिट लिख रहा हूँ। पे ऑफ से मुराद यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन पे ऑफ की टर्म बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं, ओके, मैंने एक छोटी सी चीज़ कर दी, मुझे जीरो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो लेट्स मूव दिस गेन बनाते हैं। ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जीरो है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस, ST लिख रहा हूँ, इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जीरो है तो 700 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 700 कर देते हैं, यहाँ पे 800, 900, 1000, 1100 और 1200, ठीक है। ओके, आपने बाय किया हुआ है। बाय किया हुआ है इसका मतलब, मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, एज अ बायर, सही है, लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से बात करते हैं। तो मैं इसको प्रॉफिट और लॉस के सिचुएशन है, तो ये +250, 200, 150, 150, इसका मतलब ये -50 हो जाएगा, ये -100 हो जाएगा, ये -150 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये लॉस वाले सिचुएशन है। अच्छा, जब 700 रुपये है तो आपकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर आ रही है ये एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। 700 से कम होगा तो भी क्या होगा, अगर कि कोई पूछना चाहे, सर अगर मार्केट में 600 रुपये होंगे, भाई आप एक्सरसाइज करोगे, नहीं करोगे, आपके 50 रुपये डूब गए, आप 900 रुपये में क्यों खरीदोगे जो मार्केट में 600 रुपये का है। तो इसका मतलब, अच्छा 100 रुपये भी होगा मार्केट में तो क्या आप खरीदोगे, आपका लॉस कितना हो गया, 50 रुपये हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे भी 50 का लॉस है, नहीं सर 200 पे क्या होगा, 200 पे भी आपका लॉस 50 का ही होगा, सही है। और 600 पे कितना होगा, 600 पे भी आपका लॉस 50 का ही होगा, 650 पे भी 50 का ही लॉस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 600, 700 कब तक जा रहा है, 900 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 900 के बाद 950 पे आपका लॉस क्या हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, पे ऑफ ये ज़ीरो है, ठीक है। और 1000 रुपये आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, 50 का फ़ायदा हो रहा है। तो ये अगर मैं एक लाइन इस तरीके से मिलाता हूँ तो ये एक लाइन बनी, ठीक है। अच्छा, फिर 1000 के बाद 1100 पे ये बढ़ेगा, ठीक है, 1200 पे और बढ़ेगा। वाट इफ हाइपोथेटिकली जैसे 100 तक गए थे, 2000 रुपये जाते हैं, अगर मार्केट में उस चीज़ की प्राइस 2000 रुपये हो गई तो अब क्या होगा, आपना आपके पास राइट था क्या, राइट था, 900 रुपये पर बाई करने का राइट था। तो 900 रुपये पे आप बाई कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में 2000 की है, तो आपका फ़ायदा कितना होगा, फ़ायदा करने क्या बताया था, 2000 माइनस 900, 1100, इसमें माइनस क्या कर देंगे, प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, 50, तो 1050 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये लाइन ऊपर ही जाती जाएगी, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, इसका मतलब इसका ग्राफ और बहुत सिंपलीफाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके का बना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अगली स्लाइड में, एक मिनट, अगली स्लाइड में कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी हैं, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट मोर, वन मोर स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, हियर इट इज, ठीक है। तो इस स्लाइड पर हम, तो इसका मतलब अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूँ तो क्या होगा, यानी अगर मैं बिल्कुल एक ग्राफ बनाऊँ तो मेरे सामने एक ग्राफ आ रहा है, ये मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है। अब मैं रेड की बात कर रहा हूँ, यानी एक ग्राफ ये आया और यूँ, सही है। तो ये लॉन्ग पोजिशन किसकी है, कॉल ऑप्शन की, ये आ गया, ये बिल्कुल सम अप करते, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और बाकी उसके ऊपर इस लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करें, ठीक है, हाथ के लिहाज से गुजारा करें, नहीं सर सही बना ही दें, बना देता हूँ, ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे एक्सरसाइज करना ख़त्म होगा तो ये लॉन्ग पोजिशन आ गई। ओके, अब हम वापस जाते हैं, फिर कहाँ वापस जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, यस, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ओके, सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एड पेन, ठीक है, पेन ऐड करते हैं, और मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ, लेट्स ग्रीन, ग्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब क्या होगा, ग्रीन पे सिचुएशन क्या होगा, ग्रीन पे आते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, यानी रेड क्या था, ये था लॉन्ग पोजीशन ऑफ कॉल। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉर्ट, शॉर्ट पे क्या, भाई पहले फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, जब 700 रुपये होगा यहीं पे बात, भाई आप नहीं आओगे तो मुझे मिलेंगे कितने, मिलेंगे
सर 50 रुपये मेरे तो अर्न हो गए थे ना, जो मैंने अपनी एग्जांपल दी हुई थी, ये जो पिछली एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने ये कहा था कि लॉन्ग पोजीशन वाले आप हैं और शॉर्ट पोजीशन वाला मैं हूँ, ठीक है। सो यही वाली बात, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर आ जाते हैं, यानी इट इज़ ओके, गड़बड़ ना हो, लेट्स एक छोटी सी चीज़ मिक्स ना कर दें, हम इधर थे, ओके सो हाँ यस हियर इट इज, हम इधर थे, सो ओके सो अगर मैं एक छोटी ओके सो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, मुझे आई थिंक ये हटाना पड़ेगा ताकि आइडिया हो, यस ये हो गए हैं क्लिक, यस हियर इट इज़, ये था ऑप्शन, ठीक है इस पर आते हैं, ओके टच पैड का इशू आया था, कोई बटन दबा हुआ रह गया, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं जल्दी। सो यस यहाँ पे क्या था कि एज अ लॉन्ग पोजीशन आप बाय कर रहे हैं, एज अ शॉर्ट पोजीशन आप सेल कर रहे हैं, मैं सेल कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने लॉन्ग पोजीशन का तो कॉल ऑप्शन का क्या बना लिया, लॉन्ग कॉल ऑप्शन का आपने ग्राफ बना लिया। अच्छा अब हम आ जाते हैं शॉर्ट पोजीशन, मुझे डिस्कस करना है। अच्छा 100 रुपये अगर प्राइस हो जाएगी तो मैंने आपको सेल किया था, क्या आप मार्केट में 100 रुपये का है तो आप क्या मुझे बाई करने के लिए आओगे 900 रुपये पे, मैंने तो आपसे कमिटमेंट किया था 900 रुपये बाई करना, तो आप नहीं आओगे, तो मुझे 50 रुपये का फ़ायदा 100 पे भी हो रहा है, ठीक है ओके मैंने कैलकुलेशन चेंज की थी, 100 पे भी हो रहा है, 50 का फ़ायदा 700 पे भी हो रहा है, 800 पे भी हो रहा है, 900 पे भी हो रहा है, ठीक है। एक पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं ताकि इशू ना हो, स्ट्रेट लाइन, सो डैट मीन्स के हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 900 तक का प्रॉफिट हो रहा है नाउ एज अ शॉर्ट पोजिशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ा पॉज दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इसका मतलब अगर आपने जब मुझे सेल किया था तो मुझे प्रॉफिट 900 तक, तो ये जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन क्या हो जाएगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन डिक्लाइन होना शुरू होगी, ये इसी तरीके से आ रही होगी, और 1000 पे मेरा लॉस कितना हो जाएगा ये, ठीक है 1100 पे मेरा लॉस कितना हो जाएगा 150, ठीक है 1200 पे मेरा लॉस कितना हो जाएगा 250, इसका मतलब ये नीचे जाता रहेगा। इवन 2000 पे मेरा लॉस कितना होगा भाई, जितना आपको फ़ायदा 1000 प्रॉफिट का फ़ायदा हुआ था ना, ये 1000 प्रॉफिट का फ़ायदा, तो मुझे 1050 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये बात वापस रिपीट करूँ ग्राफ के लिहाज से, तो ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक और ये इस तरीके से जाएगा, तो ये है शॉर्ट पोजीशन, एक मिनट हाँ थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, ये है शॉर्ट पोजीशन, ओके ज़्यादा थिकनेस हो गई, ये है शॉर्ट पोजीशन ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी शॉर्ट पोजीशन ऑफ कॉल ऑप्शन ग्रीन में आ रही है, यानी ये पे ऑफ प्रॉफिट वाला है और ये नेगेटिव लॉस वाली सिचुएशन आ रही है। यानी हुआ क्या, अगर लेट्स से ऑप्शन नहीं होता, अगर ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, यानी शॉर्ट बेचने वाले को कोई फ़ायदे नुकसान वाली बात नहीं हो रही, तो उसका फ़ायदा हो जाता है अगर प्रीमियम वाली बात के लिहाज से, लेकिन हम कॉल ऑप्शन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उसका लॉस बढ़ जाता। यानी आइडियली ऑप्शन ने क्या किया, ऑप्शन ने इस पोर्शन के लॉस को ख़त्म किया, इस पोर्शन के प्रॉफिट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आइडियली प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन ये आ रही है। अच्छा तो अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के सिनेरियो कुछ हो रहे और शॉर्ट पोजीशन का सिनेरियो कुछ हो रहे, तो अगर मैं डिस्कशन पॉइंट ऑफ से बात करता हूँ, सही है डिस्कशन पॉइंट ऑफ से मुझे ये अभी डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है कि हाउ मच लॉन्ग पोजीशन गाय कैन लूज, यानी जिसने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है वो कितना नुकसान उठा कितना लॉस उठाएगा। लॉन्ग पोजीशन वाला कौन सा था, लॉन्ग पोजीशन वाला ये रेड वाला था, ठीक है इसका लॉस क्या होगा, कुछ भी प्राइस हो, प्राइस अगर ज़ीरो भी हो जाए तो भी उसका लॉस कितना होगा, 50 ही होगा, यानी मैं यहाँ पर
प्राइस अगर जीरो भी हो जाए तो भी उसका लॉस क्या होगा, 50। जाहिर सी बात है वो 900 पे नहीं खरीदेगा, 10 रुपये भी हो जाए तो वो 900 पे नहीं करेगा, उसका लॉस 50 ही रहा, क्योंकि उसको 900 पे राइड करने का भाई था, उसने जो प्रीमियम पे किया था वही लॉस था। लेकिन अगर इत्तेफाक से अगर वो ऑप्शन नहीं बाय करता, अगर वो ऑप्शन नहीं बाय करता, ठीक है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइसेस वगैरह वाली बात, ओके, ये हम प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मिक्स कर गया मैं, जहन में दो तीन और चीज़ें आ गई थी। यस, हम वापस आ जाते हैं। सो, इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन का नुकसान देखें, लॉस, अगर मैं लॉस की बात करता हूँ तो लॉस कैसे नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, लिमिट हो गया, लेकिन उसका प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा। यानी अगर मैं इस सवाल का जवाब दूँ, सर किस सवाल का जवाब, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, ओके सॉरी, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पर यस, इसको कर देते हैं ब्लैंक। यस, लॉन्ग पोजीशन गए को मैक्सिमम 50 का लॉस होगा, लेकिन उसको फ़ायदा कितना होगा, अर्न प्रॉफिट कितना कर सकता होगा, कि अर्न या प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड क्यों होगा, ये रही एग्जांपल। अगर 200 रुपये के बजाय 2000 रुपये की प्राइस की हमने बात की थी ना, हमने 2000 के प्राइस की बात की थी, 2000 के बजाय अगर 3000 भी प्राइस होगी तो भी उसको 900 पे बाय करने का बेनिफिट है, नहीं है, राइट है, नहीं है। तो वही वाली बात कि वो प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, लेकिन शॉर्ट गए की सिचुएशन कुछ और है। शॉर्ट गए की सिचुएशन पे अगर मैं आ जाता हूँ तो शॉर्ट गए क्या नज़र आ रहा है कि उसको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, 50, सही है, लेकिन उसका लॉस कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर उसका लॉस कितना होगा ये देख सकते हैं, लॉस नीचे कितना जा रहा है। अगर 2000 की प्राइस हमने यहाँ पे रखी हुई थी ना, 1200, अगर ये 1200 के बजाय 12000 होती तो वो कितना नीचे होता, आप देख सकते हैं नेगेटिव पे ऑफ कितना होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट पोजीशन पे लॉस अनलिमिटेड है और लॉन्ग पोजीशन पे, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन, जाहिर सी बात है मैं नॉर्मली क्लास में डिस्कशन इसके ऊपर करवाता हूँ, स्टूडेंट से पूछता हूँ, इस सेटअप पे नहीं कर सकते, तो आपको अपने तौर पे यस एक्टिविटी में समरी नोट कर लें कि यही चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो हाउ मच लॉन्ग पोजिशन कैन, हाँ, शॉर्ट पोजिशन में क्या होगा कि 10 रुपये क्या मोटिवेशन है। अब अगर आप मुझे 50 रुपये दे रहे होंगे तो शायद मैं इतना रिस्क उठाऊँ, लेकिन क्या मैं 10 रुपये पर रिस्क उठाऊँगा, हो सकता है कुछ लोग 100 रुपये, 50 के बजाय 100 रुपीज़ पर भी ये लॉस, ये रिस्क ना उठाए, कुछ लोग 500 रुपये पर भी रिस्क ना, क्योंकि लॉस अनलिमिटेड है। जिस चीज़ को आपने 900 रुपये में एग्री किया है सेल करने का, अगर वो 9000 की हो गई तो 8100 का नुकसान आप जेब से भरेंगे, मार्केट में खरीद के देंगे ना। तो ये टेक्निकली किस में फॉलो हो जाता है, ये स्पेकुलेशन में फॉलो हो जाता है, डेट मीन ये स्पेकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात एक ये है कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर हम ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हेजल ने अपने लॉस को स्पेकुलेटर पे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, हेजल ने अपने लॉस को स्पेकुलेटर पे ट्रांसफ़र कर दिया। यानी आप देखें, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन का ये वाला जो लॉस था उसने अपने इस लॉस को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया, अपना प्रॉफिट तो लिमिट किया शुरू के हिस्सों में, लेकिन वो बियर कौन करेगा कि अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो वो कौन बियर करेगा, शॉर्ट पोजीशन, उसने इतना सा बियर किया, सही है, और बाकी सब उसमें उसने शॉर्ट पोजीशन में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन की, शॉर्ट गई पोजीशन, जिसने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है यानी जिसने सेल किया हुआ ऑप्शन, वो स्पेकुलेट कर रहा है, उसे लग रहा है कि प्राइस क्या होगी, गिरेगी, तो वो अभी से बेच रहा है। तो ये टेक्निकली देखा जाए स्पेकुलेशन के सिचुएशन में आता है। तो हेजर और स्पेकुलेशन की सिचुएशन आपके सामने, हम कॉल ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम सिर्फ कॉल ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कॉल ऑप्शन की इस एग्जाम्पल के अंदर लॉन्ग पोजिशन वाला क्या था, हेजर था, उसने अपने आप को हेज किया, अपने आप रिस्क को ट्रांसफ़र किया, अपने रिस्क को मिटिगेट किया, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको एक बंदा मिल गया स्पेकुलेशन करने वाला, कि उसने लग रहा था, जो जो हेजर को लग रहा था उसके रिवर्स सिचुएशन स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसने उस तरीके से उसको दे दिया। नाउ अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या होती है, प्रैक्टिकल इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस में आपको क्या लग रहा होता है, छोटा मोटा लॉस होता है तो आप क्लेम नहीं करते, लेकिन बड़ा लॉस होता है तो आप कहते हैं, अगर गाड़ी में आग लग गई या चोरी लग गई या एक्सीडेंट हो गया और टूट फूट गई, तो वो सारे खर्चे आप इंश्योरेंस कंपनी से कर रहे होते हैं, बदले में क्या दे रहे होते हैं, प्रीमियम दे रहे होते हैं कि भाई महीना 2000 या महीना 3000 या महीना 5000 या गाड़ी खरीदते वक्त एक साथ उसके 3% प्राइस दे दी एज अ प्रीमियम, ठीक है। अब उन्होंने भी एस्टिमेट किया हुआ था भाई 50 में से या 100 में से एक गाड़ी चोरी होगी और एक गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, बाकी इस रिलेटेड रहेंगे, तो उनसे कलेक्शन करके उसी में से पैसा आपको दे रहे होते हैं। तो ये देखा जाए तो इंडिविजुअल
इंश्योरर अपना रिस्क देखा जाए इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है कि अगर उसे लॉस ना हो, जो दूसरा बंदा है उसके सेकंड पार्टी उसे भले लॉस हो जाए, ठीक है। ओके सो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा एक सिचुएशन में फॉरवर्ड और फ्यूचर में, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसको ऑप्शन से लिंक करना है, सही है। अब आई होप आपको अंदाज़ा हो गया हेजर कौन है और स्पेकुलेटर कौन है। हेजर बेसिकली अपना रिस्क ट्रांसफ़र करता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हेजर अपना रिस्क ट्रांसफ़र करता है, सही है। स्पेकुलेटर स्पेकुलेट कर रहा होता है, वो गैम्बलिंग कर रहा होता है, वो प्राइस में सिंपली जुआ खेल रहा होता है। तो जो हमने अभी फॉरवर्ड की एग्जांपल थी, उस फॉरवर्ड की एग्जांपल में हेजर कौन था, स्पेकुलेटर कौन था, बेकर। फार्मर भी ने भी प्राइस फिक्स की थी और बेकर ने भी प्राइस फिक्स की, दोनों ने अपने रिस्क को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एक ने अपना रिस्क दूसरे को बोला अगर मुझे फ़ायदा होगा तो सही है, तुम्हें नुकसान होगा और तुम्हें नुकसान फ़ायदा होगा तो मुझे नुकसान होगा। दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया था रिस्क, सही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरे थी दोनों को। इन दी एंड दोनों को एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान था। जबकि कॉल ऑप्शन में क्या है, कॉल ऑप्शन के अंदर याद रखें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन इज ऑलवेज लॉन्ग पोजिशन वाला हमेशा हेजर होता है, जबकि शॉर्ट पोजीशन वाला हमेशा स्पेकुलर होता है। लेकिन फॉरवर्ड के अंदर क्या है, फॉरवर्ड के अंदर दोनों हेजर भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड के अंदर दोनों हेजर भी हो सकते हैं और दोनों स्पेकुलेटर भी हो सकते हैं। दोनों को लग रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर क्योंकि वो राइट है कि अगर लॉस होगा तो वो करेगा, प्रॉफिट होगा तो वो शायद एक्सरसाइज ना करे। तो कॉल ऑप्शन के सिचुएशन फॉरवर्ड और ऑप्शंस फॉरवर्ड और फ्यूचर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये अगेन जो एक सवाल किया था, इस सवाल को तुझसे कि आपको हेजर और स्पेकुलेशन की सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या, मोटिव इज इम्पोर्टेंट कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, सही है। किसी ने सवाल अभी पूछा इस बेस पे कि सर हेजर और मोटिव और स्पेकुलेटर को वापस रिपीट कर दे, तो मुझे एक्सपेक्ट था, मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, मोटिव इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप स्पेकुलेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं, रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद लॉस हो, तो उस लॉस को आप ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस लॉस को अगर आप ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, तो वो सिचुएशन देखा जाए तो किसको फॉल कर रही है, हेजर की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो एज फॉरवर्ड अब इस सिचुएशन में क्या होती है, एज इन फॉरवर्ड फार्मर बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकता था, बहुत ज़्यादा कमा भी सकता था, दोनों सिचुएशन थी फॉरवर्ड में, ठीक है। बट फार्मर का मोटिव क्या था, वो प्राइस फिक्स करना चाहता था, वो पैसे नहीं कमाना चाह रहा था। तो जब फार्मर ने ये सोचा कि मुझे प्राइस फिक्स करनी है, तो वो उसका रोल क्या हो गया, ऐसा हेजर के तौर पर रोल प्ले हो गया। लेकिन वो बोलता भाई मुझे बेचना है ख़रीदने से नहीं, मुझे लग रहा है प्राइस कम होगी, क्यों ना मैं फ़ायदे कमा लूँ और प्रॉफिट कर लूँ। तो जब वो ये सोच के कोई भी बंदा अगर सेल कर रहा होगा तो वो, या बाई कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पेकुलेटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ, सही है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पुट ऑप्शंस को कवर कर रहा हूँ, सही है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।